हबीबी वेलकम टू निजवा। बतूता का जूता पहनकर हम निकल पड़े हैं एक नए सफर पर, एक नई मंजिल की तलाश में। हाय एवरीवन, वेलकम बैक अनदर व्लॉग। हम हैं तारीखे ओमान की होस्ट नम्रा हेरा। हमारे सफर की शुरुआत होती है जुमा की नमाज और खुतबा सुनने के बाद। खुतबा अरबी लैंग्वेज में था, समझ तो नहीं आया पर दिल को सुकून जरूर मिला। जुमा की नमाज अदा करने के बाद हम निकल पड़े हैं अपने सफर पर निजवा फोर्ट के लिए। निजवा ओमान का एक सिटी है जो दखेलिया स्टेट के बिल्कुल सेंटर में है और इसके चारों तरफ 6 विलायत है, इसकी जबल अकदर, माना, आदम एंड भाला। निजवा पहले ओमान का कैपिटल हुआ करता था जिसे बाद में चेंज करके मस्कत सिटी को ओमान का कैपिटल बना दिया गया और अभी फिलहाल मस्कत ओमान का कैपिटल है। मस्कत इंटरनेशनल एयरपोर्ट से निजवा की दूरी 140 किलोमीटर है। मस्कत में जो रूवी एरिया है लुलू हाइपरमार्केट के पास वाला, वहाँ से निजवा की दूरी 177 किलोमीटर है। कार और बस से ट्रेवल करने पर 1 आवर 53 मिनट लगेगा और अगर पैदल गए तो 2 दिन लगेगा। और यहाँ पे हमने लगभग आधा रास्ता तय कर लिया है और बीच में हमने ब्रेक लिया है क्योंकि हमारी कार बहुत ज़्यादा गर्म हो गई थी और हमें भूख भी लगी थी। तो हम यहाँ पे बिरयानी खा रहे हैं जो कि हमने रात में ही बना के रख ली थी क्योंकि सुबह ही निकलना था। और लंच के बाद हम मस्जिद में आ गए थे लेडीज़ वाले सेक्शन में बेबी मायर को लेकर थोड़ा सा रिलैक्स करने, और हस्बैंड जेंट्स वाले सेक्शन में चले गए हैं। यहाँ ओमान में पेट्रोल पम्प के पास मस्जिद होती ही है तो हमने अपनी कार को पार्क कर दिया है, बंद कर दिया है क्योंकि हमारी कार बहुत गर्म हो गई थी। टायर, इंजन सब बहुत गर्म हो गया था, अगर हम रोकते नहीं तो हमारे लिए बहुत ज्यादा रिस्की हो जाता, तो इसीलिए हमने पेट्रोल पंप में अपनी कार पार्क कर दी। और लंच करने के बाद हम 15 मिनट के लिए मस्जिद में चले गए और 15 मिनट बाद हम जाने की तैयारी कर रहे हैं फिर से। और हमने रात में 3 रियाल का पेट्रोल भरवाया था कार में लेकिन वो अभी बहुत ज्यादा कम बचा हुआ है तो इसीलिए हमने 5 रियाल का फिर से पेट्रोल यहाँ से भरवाया। अब 5% वैट के साथ हम जो अपनी कार में फ्यूल भरवाते हैं उसका नाम सुपर ग्रेड है। और ओमान में पेट्रोल कितने टाइप का होता है, एक नॉर्मल फ्यूल होता है जिसका ओरिजिनल नेम M91 है और एक सुपर ग्रेड होता है जिसका ओरिजिनल नेम M95 है और तीसरा डीजल है, चौथा वी पावर है। और ये सब फ्यूल का प्राइस M91 यानी नॉर्मल फ्यूल 229 पैसा पर लीटर है और M95 यानी सुपर ग्रेड 239 पैसा पर लीटर है और डीजल 275 पैसा पर लीटर है और वी पावर 400 पैसा के ऊपर है। हमें एग्जैक्ट प्राइस नहीं पता है लेकिन अगर आपको नॉलेज है तो प्लीज कमेंट में जरूर लिखिएगा। और अगर ओमान में फ्यूल की और भी इसके अलावा भी वैरायटी है तो प्लीज कमेंट में जरूर लिखिएगा, हमें जितनी नॉलेज थी हमने आपको बता दिया। और यहाँ पे हम अपनी मंजिल पे पहुँच चुके हैं, सामने निजवा सिटी का गेट है। निजवा के रास्ते पर और निजवा में हमें बहुत सारी नर्सरी देखने को मिली और यहाँ पे काफी हरियाली भी है। और यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं निजवा फोर्ट पर, ये सामने निजवा फोर्ट है। और यहाँ पे ये देखिए, ये बैटरी वाली कार है जो कि विंटेज कार जैसा बनाया है। ये कार निजवा फोर्ट और निजवा विलेज में घुमाती है और पर पर्सन अडल्ट का चार्ज है 3 रियाल और हमने पूछा तो हमारा और हमारे हस्बैंड का 6 रियाल वो बता रहे थे लेकिन हमने नहीं लिया, बस हमने इंक्वायरी की थी क्योंकि हमें वॉकिंग करके ही जाना था।
और यहाँ पे इंटर करते ही स्टार्टिंग में हमें सूक दिखी। यहाँ से सूक स्टार्ट है, ये निजवा सूक है। सूक का मीन्स है मार्केट, मार्केट को अरबी में सूक बोलते हैं। ये सूक काफी बड़ी है और सब अलग अलग हिस्सों में बनी हुई है। जैसे ये मिट्टी के बने हुए शोपीस, मटके और खजूर की पत्तियों की बनी हुई बास्केट, ये सब की सूक इस तरफ है। और वेजिटेबल एंड फ्रूट की और भी बहुत सारी सूक है जो कि अलग अलग हिस्सों में बनी हुई है, और हम वो नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाएंगे। अभी के लिए हम निजवा केजल में चलते हैं, यानी निजवा फोर्ट के अंदर। निजवा फोर्ट काफी बड़ा है, यहाँ पे रेस्टोरेंट है, कैफेटेरिया है, मार्केट है, और हम 3:30 बजे के करीब आए हैं जो कि बहुत कम वक्त है हमारे पास। इंटर होते ही सामने रिसेप्शन है और रिसेप्शन से हमने लिया टिकट। हमने टिकट के पे किए हैं 10 OMR, यानी हमारे हस्बैंड का 5 OMR और हमारा 5 OMR, मिलाकर 10 रियाल हो गया। और बेबी मायर का टिकट नहीं है, 6 इयर्स के ऊपर के बच्चों का टिकट है जो कि 3 रियाल है। 6 इयर्स तक के बच्चों का टिकट नहीं है, एंट्री फ्री है। इंटर करते ही 2 कुआं है यहाँ पर, ऐसा लगता है जैसे ये वजू के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा। इस पूरे फोर्ट में टोटल 17 कुआं है जो कि मेन सोर्स है पानी का इस पूरे फोर्ट में, और कुछ कुएं का इस्तेमाल तो आज भी किया जाता है। इस तरफ केजल के एंट्रेंस पे 2 तोप रखी हुई है, एक ओटोमन की तोप है और एक ब्रिटिश की तोप है। ओटोमन तोप का मतलब है उस्मानी तोप, या आप तुर्की तोप भी बोल सकते हैं। और फोर्ट के एंट्रेंस पे स्वीडिश और पुर्तगाली तोप है, और इस तरफ वॉशरूम भी दिया गया है सबके लिए। और इस तरफ एक छोटा सा स्टॉल लगा हुआ है जिसमें ओमान का ट्रेडिशनल फूड मिल रहा है, जो कि 2 ओमानी लेडीज 2 अलग अलग तरीके का पकवान बना रही हैं। दोनों ही स्वीट डिश है। हमारे विलेज में यानी सरायमीर में एक मीठा पकवान बनता है जिसका नाम गुलगुला है, तो हम उससे कंपेयर कर सकते हैं। इसका टेस्ट और बनाने का तरीका सिमिलर है, बस फर्क इतना है कि ये इसमें हनी डाल के देते हैं, और ये ओमानी ब्रेड बना रही है ये आंटी। जिस तरह से हमारे इंडिया में डोसा बनता है सेम वैसे ही तरीके से बना रही हैं, पर इसके ऊपर इन्होंने अंडा डाला है और इसके बाद ये यहाँ पे चीज डाल रही हैं। पूरा इस तरह से फैला कर लगा देंगी और फिर उसके बाद एक साइड से ये फोल्ड कर देंगी, और फिर एक साइड से फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर ये देसी घी लगा रही है जो कि ओमान की बनी हुई है, और फिर उसके ऊपर हनी डालेंगी और एक साइड से फिर से फोल्ड कर देंगी, और ये डिश अब रेडी है बिल्कुल। ये डिश बहुत ही टेस्ट थी, एकदम लाइट मीठी थी और थोड़ा सा नमकीन का टेस्ट भी आ रहा था जो कि अंडे का था, बहुत मामूली सा नमकीन वाला टेस्ट आ रहा था। और हमने इस ओमानी ब्रेड का पे किया है 500 पैसा। और अभी हम अंदर की तरफ जा रहे हैं फोर्ट में, और यहाँ पे देखिए ये अलमारी देख के हस्बैंड इसके अंदर अपना झोला रख दिए हैं। ये अलमारी बिल्कुल हमारे इंडिया के विलेज में भी इस तरह की बनी होती है, सेम वैसे ही दिख रही है। देखिए यहाँ पे हलवा बनाने के लिए ओमानी हलवा, यहाँ पे नल भी है पानी की। ये सब पूरा जैसे इंडिया में गाँव में रहता है ये सब वैसा बना हुआ है, और इसमें हलवा बनाते हैं खजूर का ओमानी लोग, और ओमानी हलवा काफ़ी लोग पसंद करते हैं, बहुत इंडिया जैसा दरवाज़ा है जैसे विलेज में होता है। और अभी हम आ गए हैं फोर्ट के गार्डन की तरफ। इस तरफ गार्डन है, आप इसे एग्रीकल्चर वाला एरिया बोल सकते हैं, बाग बोल सकते हैं। ये खजूर का हलवा बनाने वाला एरिया है। यहाँ पे लाइन से पपैया के पेड़ लगे हुए हैं जो कि छोटे साइज के हैं, ज्यादा बड़े नहीं हैं, और वहाँ पे एक अरबियन टेंट लगा हुआ है। और इस तरफ फ्लज बनाया गया है, इसे अरबी में फ्लज बोलते हैं। इसके थ्रू पूरे बाग में पेड़ वगैरह को पानी दिया जाता है, सेम इंडिया के जैसा ही है जैसे हमारे किसान लोग अपने खेतों में मेड़ बनाते हैं, ये मेड़ है, इसे बस अरबी में फ्लज बोलते हैं। इस तरफ भी कुछ उगाया गया है, मे बी कोई सब्जी हो सकती है, पर हमें समझ में नहीं आ रहा ये
सब्जी है कि घास है। और ये जो खजूर के अंदर जो पत्तियां लगाई गई है ना, खजूर की चारों तरफ से घेरा गया है, उसके अंदर ना पपैया का पेड़ लगा हुआ है जो कि काफी छोटा है। और इस तरफ देखिए एक कुआं है, कुएं को ढक दिया गया है खजूर की पत्तियों का चटाई बना के, उसके ऊपर खजूर को रखा गया है ड्राई होने के लिए। इस तरफ छोटा सा जू बनाया गया है जिसमें रैबिट है, डियर है, कैमल है, डंकी है। ये जो वाइट हिरन है यहाँ पे, इसका नाम अरेबियन ओरिक्स है, इसे वाइट ओरिक्स भी कहा जाता है यानी सफेद ओरिक्स। और इसका जूलॉजिकल नेम ओरिक्स ल्यूकोरिक्स है। ये एक बोविडी फैमिली का सदस्य है यानी ये लंबे सींगों वाले सफेद हिरन के मीडियम क्लास की एक नस्ल है। और ये हिरन यानी अरेबियन ओरिक्स रेगिस्तान और उसके मैदानी इलाकों में पाया जाता है। ये अरेबियन ओरिक्स 1970 में जंगल में गायब हो गया था, लेकिन इसे चिड़ियाघरों वगैरह में रख कर बचा लिया गया यानी इसकी देखभाल की गई और इसकी नस्ल बढ़ाने पे भी काम किया गया। और 1980 में इसे फिर से जंगल में लाया गया यानी जंगल में छोड़ दिया गया। और अरेबियन ओरिक्स ओमान का नेशनल एनिमल है और ओमान के नेशनल एनिमल के साथ साथ ये जॉर्डन, बहरैन, यूएई और कतर का भी नेशनल एनिमल है। और इस डियर को हस्बैंड ने खजूर खिलाया तो वो और ज्यादा मांगने लग गया। और यहाँ पे देखिए खजूर जगह जगह गिरी हुई है और ये खजूरें पूरी तरह से पकी हुई है। हमने खाया, हमें बहुत टेस्टी लगी और हमने साथ में हिरन को भी खिलाया और हिरन को बहुत पसंद आई क्योंकि वो फिर से हम लोगों से खजूरें मांग रहा था। और इस तरफ कैमल है और कैमल अरब की पहचान है, इस बात से पूरी दुनिया वाकिफ है। इस तरफ वाइट डंकी है, वाइट डंकी हमने ओमान में बहुत देखा है। ओमान में जब कहीं ट्रेवल करते हैं ना तो देखने को मिलता है बहुत सारा। और यहाँ पे ये कुआं है, यहाँ पे पानी कैसे निकालते हैं ये सब दिखाते हैं, लेकिन अभी फिलहाल कोई वहाँ पे था नहीं। और इस तरफ ओमानी बकरी है, मुर्गी है और कैमल है, तीनों एक साथ है यहाँ पर। और व्हाइट वाली बकरी को देखिए हमें देख कर आ रही है जल्दी जल्दी। ये ओमानी बकरा है, ये बेबी कैमल है और भाई साहब एकदम मस्त है अपनी दुनिया में। हाय नम्रा। अब खजूर की बाग की तरफ चलते हैं। खजूर से बहुत कुछ ओमान में बनाया जाता है, पूरे अरब में। जैसे हमारे यहाँ शुगर केन से गुड़ बनता है ना, वैसे ही खजूर से यहाँ पे गुड़ बनता है जिसे अरबी में असल बोलते हैं। और भी बहुत कुछ बनाया जाता है खजूर से, सुहारे के जैसा है, जैसे अपना सुहारा होता है। हाँ, वैसा कड़क है, ड्राई हो गई है नहीं तो। और यहाँ पे अरेबियन टेंट है जिसके अंदर मजलिस बनाई गई है और इसे खेमा बोलते हैं अरबी में। और अभी हम फोर्ट के दूसरे हिस्से में जा रहे हैं, ये पूरा म्यूजियम बनाया गया है और इसके अंदर एसी वगैरह है तो हमें गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी। और इस तरफ ओमानी अंकल बैठे हुए हैं जो कि खजूर की पत्तियों से बास्केट और जो भी अरब में यूज़ होता है वो सारी चीज़ें बना रहे हैं। और इस तरफ वो चीज़ें दिखाई गई हैं जो कुएं से पानी कैसे निकाला जाता था और फ्लज जो हमने बताया था उसमें पानी सेपरेट कैसे किया जाता था, पीने के लिए पानी अलग कैसे किया जाता था और बाग में पानी देने के लिए उसे सेपरेट कैसे किया जाता था, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं, क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की जाती थी। यहाँ पे वो सब चाबी और ताला है जो पहले के टाइम पे यूज़ किया जाता था, सब अलग अलग टाइप का है यहाँ पर। और इस तरफ ओमानी लेडीज़ की ट्रेडिशनल ज्वेलरी है जो कि सिल्वर की है यानी चांदी की है, जो पहले के टाइम पे इस्तेमाल की जाती थी। यहाँ पे जितनी भी सिल्वर की ज्वेलरी है ना, इसकी सबसे बड़ी खास वजह ये है कि ये दुल्हन को दहेज के रूप में दी जाती थी उसके हस्बैंड के फैमिली की तरफ से, यानी ये दूल्हे की जो फैमिली होती थी ना उनकी
की तरफ से ये दुल्हन को दहेज के रूप में दी जाती थी और ये ज्वेलरी उनके कल्चर को भी दर्शाती थी। और इस तरफ कॉपर के बर्तन हैं जो पहले ओमान के लोग यूज किया करते थे, और ये जो बर्तन है इसे इस स्क्रीन में दिखाया गया है कि इसे क्लीन कैसे किया जाता था। ये सारी चीजें हमारे इंडिया में भी देखने को मिलती है। ये सारे बर्तन कॉपर के हैं जो कि पहले के टाइम पे इस्तेमाल किए जाते थे, और ये केतली है कॉपर की जिसके अंदर ओमानी लोग कहवा रखते हैं। आग वगैरह कैसे इसमें लगाते हो सब इसमें स्क्रीन पे चल रहा है, सब दिखा रहे हैं। वो हवा दे रहे हैं यहाँ पे, जो वो यही है जो यहाँ टंगा हुआ है, आग में हवा देते हैं, जो कि कैमल की चमड़ी का बना हुआ है यानी लेदर का है। हम लोग के घर पे थी बहुत पहले सराय में। ये मेड इन इंडिया मशीन है जो कॉपर और सिल्वर को शेप देने के लिए आग लगाते हैं ना, जो स्प्रे की तरह आग निकलती है, वो मशीन है जो कि मेड इन इंडिया लिखा हुआ है उसके ऊपर। ये सारे औजार जो आपको दिख रहे हैं ना, जो हमने अभी कॉपर और सिल्वर के बर्तन दिखाए हैं और जो ज्वेलरी हमने दिखाया है, वो इन्हीं सब औजार से बनाई जाती थी। और ये दूसरा कमरा है, यहाँ पे खजूर स्टोर करके रखी जाती है जैसे इस जार में, और जो सामने आपको ये दिख रहा है ना, ये सब खजूर की पत्तियों के बने हुए सारे सामान है जिसमें खजूर वगैरह रखी जाती है। और इस कमरे के अंदर भी एक स्टोर है, यहाँ पे खजूर रखी जाती है, आप सामने देख सकते हैं। ये जो बैग है ना, ये खजूर की पत्तियों का बना हुआ है और इसके अंदर सारी खजूरें रखी हुई हैं। और ये जो मिट्टी का जार है ना, इसके अंदर रोज खाने वाली खजूरें रखी जाती हैं। और ये जो जमीन के अंदर मटके रखे हुए है ना, ये जो ऊपर खजूर एक के ऊपर एक रखी गई है ना, जो उसका रस निकलता है ना, तो वो गिरते हुए इस मटके में आ जाता है, जो कि जिसे खजूर का जूस आप बोल सकते हैं, और अरबी में इसे असील बोला जाता है। असील थिक लिक्विड फॉर्म में होता है, जैसे आप इंडिया में जो गुड़ होता है ना लिक्विड फॉर्म में, आप उससे कंपेयर कर सकते हैं या तो आप हनी से कंपेयर कर सकते हैं। ये जो मिट्टी का मटका आपको दिख रहा है ना, इसके अंदर रोज यूज की जाने वाली खजूरें रखी जाती थी। और इस मटके का ऊपरी हिस्सा यानी जो उसका मुंह है, वो छोटा इसलिए बनाया जाता था ताकि जो अंदर खजूरें रखी हुई है उसके अंदर पानी, हवा और सनलाइट ना जा सके। और ये जो खजूर की पत्तियों की बनी थैली में जो खजूर रखी है ना, इसमें कम से कम एक थैली में 40 केजी खजूर है। और इस कमरे को भी बिल्कुल पैक बनाया गया है ताकि हवा, पानी और रोशनी बिल्कुल ना आ सके। इस पूरे केजल में दो डेट स्टोरेज कमरा है, जो सबसे छोटा कमरा है उसके अंदर एक बार में 2.5 टन खजूरें रखी जाती है लंबे वक्त के लिए। और यहाँ पे पत्थर का टावर बना के दिखाया गया है कि पहले के टाइम में ओमान में इस तरह का टावर बनाया जाता था, जो कि मिट्टी से ये सारे पत्थर को ज्वाइन किया जाता था। और ये दूसरे कमरे में हम जा रहे हैं और इसकी एंट्रेंस इतनी छोटी है कि हमें झुककर अंदर जाना पड़ा। इस कमरे में वो सारी फोटो दिखाई गई है कि पहले फोर्ट कैसा था, फिर उसे रिपेयर किया गया और रिपेयरिंग के बाद फिर फोर्ट इस तरह से दिख रहा है। यहाँ पे पूरे फोर्ट की अलग अलग जगह की फोटो दिखाई गई है और फिर उसे मेंटेनेंस किया गया, फिर बाद में वो कुछ इस तरह से दिखता है। तो यहाँ पे सारे फोटो वही थे। इस कमरे में इब्ने बतूता की किताब के एक पन्ने को लगाया गया है जिसमें उन्होंने ओमान के बारे में लिखा हुआ है। ये वही इब्ने बतूता है जिनका नाम हम अक्सर अपनी वीडियो में लेते हैं। इब्ने बतूता मोरक्को से थे और ये एक ट्रैवलर थे जो कि पूरी दुनिया पैदल घूमते थे और अपने एक्सपीरियंस को कलम और स्याही से एक कागज के पन्ने पे लिखा करते थे। इब्ने बतूता अपनी किताब में लिखते हैं कि वो 14th century में 6 दिन खुले सपाट मैदान में, जहाँ दूर दूर तक कोई आबादी नहीं थी, कंटिन्यू चलते हुए, और 7th day वो एक हरी भरी जगह पहुँचते हैं जहाँ देखते हैं कि कई जगह से वादियाँ बह रही हैं और उन वादियों में साफ शफाफ और ठंडा पानी बह रहा है और चारों तरफ खजूर के दरख्त हैं और खेती वगैरह हो रही है। और वो उन वादियों के करीब पहुँचे तो उन्हें पता चला कि वो ओमान के कैपिटल सिटी निजवा में है। उस
वक्त ओमान का कैपिटल निजवा था और उस वक्त जो निजवा के बादशाह थे उनका नाम अबू मोहम्मद इब्न नभाम था और उन्होंने ओमान की साफ सुथरी सड़कें, मस्जिद, बाजार और यहाँ के लोगों की और बादशाह की बहुत सारी तारीफें लिखी हैं। और अब हम इतने पतले से रास्ते से होते हुए आ गए हैं कैद खाने में। ओ माई गॉड, यहाँ पे इतनी मोटी मोटी जंजीरें हैं, जिनको सजा दी जाती थी, कैद किया जाता था, उनको ये जंजीरें लगा दी जाती थी। पहले के टाइम पे ऐसे ही हुआ करता था। हमें ये जंजीरें देखकर बॉलीवुड की मूवीज याद आ रही हैं, जैसे मुगले आजम में अनारकली, जब कैद खाने में अनारकली को डाला गया था और इस तरह से जंजीरें लगाई गई थी, और बाजीराव मस्तानी में मस्तानी को। इतना वजन कैसे कैदी लोग सहते रहे होंगे। ये कैद खाने में एसी नहीं लगाए ये लोग, बाकी जगह एसी है। अभी हम केजल की तरफ आ गए हैं। इस केजल की तामीर इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल यहमदी ने 8th सेंचुरी के एंडिंग में की थी और फिर इमाम सुल्त बिन मलिक अल खरूसी के दौर में इसे 9th सेंचुरी के मिड में इसकी तामीर को और आगे बढ़ाया गया। इस केजल में कई कमरे हैं और सभी कमरे का इस्तेमाल अलग अलग काम के लिए किया जाता था, जैसे ये नमाज का कमरा है और इस तरफ ये टावर है छोटा सा, यहाँ पे इनकी सेना रहती थी सेल्फ डिफेंस के लिए। और ये सब जो आपको सुराग दिख रहा है ना, ये सब सेल्फ डिफेंस का सुराग है, जिसके अंदर से असील यानी डेट सिरप को कॉपर के बर्तन में गर्म करके इस सुराग से नीचे गिराया जाता था। जैसे हमारे इंडिया में राजा महाराजा तेल का इस्तेमाल करते थे, इंडिया में तेल ज्यादा था, तेल का इस्तेमाल किया जाता था, यहाँ खजूर ज्यादा है तो खजूर का इस्तेमाल किया जाता था। और डेट सिरप अगर गर्म गर्म हाथ पे लग जाए तो वो चिपक जाता है और काफी देर तक जलता है, यानी काफी एडवांस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता था। ये सब तो इंडिया में भी पुराने गांव में देखने को मिलेगी, और ये सब भी, और वो रोशनदान भी, और इस तरह की खिड़की भी, और ये भी, और ये दरवाजा भी। ये प्राइवेट डिस्कशन रूम है, पब्लिक मीटिंग रूम। पब्लिक मीटिंग रूम को अरबी में अल बरजा बोलते हैं। तो इस पब्लिक मीटिंग रूम में इमाम जो हुआ करते थे वो मीटिंग वगैरह करते थे। ये एक लाइब्रेरी जैसा रूम है, इसके अंदर ये तहखाना है जो कि ये दरवाजा बंद करके इसके ऊपर कालीन बिछा दी जाती है, ताकि अगर कभी अटैक हो इस किले पे तो यहाँ से जो किले के अंदर वाले लोग हैं वो बाहर निकल सके या छुप सके। सेफ्टी के लिए बनाया गया है, सेल्फ डिफेंस के लिए। ये वॉशरूम है, पहले के टाइम पे इस तरह का वॉशरूम हुआ करता था। ये बाथरूम में कुआं है तो कुएं से ही पानी इस तरह से आता है, जैसे यहाँ पे नल लगी हुई है इसमें भरता है, फिर यहाँ पे जो भी जिसको नहाना रहता है वो नहा लेता होगा। और रखने की जगह भी बनाई गई है, साबुन वगैरह, और यही कुआं है जो पूरे बाथरूम में पानी जाता है। तो पहले के टाइम पे इस तरह की टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता था, और ये कुएं वाला टॉयलेट है जो कि इंडिया में भी पहले हुआ करता था। ये किचन है इस किले का, और यहाँ पे मिट्टी की चूल बनी हुई है, आप देख सकते हैं, और ये अलग पार्टीशन करके इस जगह बनाया गया है। सारी चीज़ें जो अरब में इस्तेमाल की जाती थी किचन में, वो सारी चीज़ें यहाँ पे रखी गई है, और ज़्यादातर चीज़ें खजूर की पत्तियों का बना हुआ है, जैसे बास्केट है, और ये भी है खजूर फैलाने के लिए। और ये स्टोर रूम है इस किचन का, इसकी एंट्रेंस अलग से किचन से बाहर बनी हुई है। तो यहाँ पे भी कुछ बर्तन रखे हुए हैं जो कि ज़्यादातर हमें कॉपर के नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, और ये भी कोई मशीन है, पहले के टाइम इस्तेमाल की जाती थी। ये जो आपको दिख रहा है इसके अंदर एसी की मशीन है, ये पहले के टाइम पे नहीं था, ये अभी टूरिस्ट के हिसाब से बनाया गया है। और अभी हम केजल की टेरिस पर आ गए हैं। इस केजल की तामीर के बाद इमाम नसीर बिन मुर्शीद अल अरेबी के दौर में इस केजल को और केजल से लगी हुई एक मस्जिद है, ये दोनों चीजों को उन्होंने रेनोवेट कराया, यानी जो चीजें डैमेज हो गई थी सही कराया। इस केजल में लगी हुई एक मस्जिद भी है बाहर की तरफ, जो कि इस केजल के तामीर के वक्त उसे भी तामीर किया गया था।
अब हम आ गए हैं फोर्ट पर। ये फोर्ट है जो कि राउंड शेप में बना हुआ है। इस फोर्ट की हाइट और मजबूती की वजह से इसे अरबी में अल शहबा बोला जाता है। अब हम ऊपर की तरफ चलते हैं जहाँ पे इमाम की सेना पूरे राज्य में नजर रखा करती थी। ये है सल्तनत ऑफ ओमान का एक राज्य जिसका नाम निजवा है। ये जो नज़ारा आपको दिख रहा है ये निजवा सिटी का नज़ारा है। यहाँ से इमाम की सेना खड़ी होकर नज़र रखा करती थी। यहाँ से काफ़ी दूर दूर तक नज़ारा दिखता है। और यहाँ पे भी बनाया गया है सेल्फ डिफेंस वाला होल जिसमें से डेट सिरप गिराया जाता था गर्म करके। इस फोर्ट को सुल्तान बिन सैफ बिन मलिक अल यारूबी ने अपने शासन काल में सन 1649 से सन 1669 ईस्वी के दौरान तामीर कराया था। इस फोर्ट की हाइट 24 मीटर है और इनर डायमीटर 39 मीटर्स है और ये अरब में लार्जेस्ट सर्कुलर टावर में से एक है। ये टावर डिफेंस के लिए बनाया गया था ताकि दुश्मनों पे नजर रखी जा सके। अभी हम फोर्ट की सीढ़ियों से नीचे की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे आते ही हमें एक पेंटिंग दिखी जो कि महल के निवासियों द्वारा 60 से 100 साल पहले ये खुदवाई गई थी। इस पेंटिंग में उस वक्त ओमान की जिंदगी किस तरह से थी वो दिखाया गया है कि ओमान के लोग अपने जानवर को किस तरह पालते थे, उससे खेती का काम कैसे करवाते थे और सवारी में इस्तेमाल कैसे करते थे। पूरी जीवन शैली दिखाई गई है उसमें। लेदर है ये, ले चमड़ा है। हाँ, उधर पर कैमल, कैमल के क्या है वो, कैमल शोल्डर बोन, कैमल की हड्डी पे बना हुआ है। अच्छा। हाँ, ये पेन का डब्बा, ये वो इंक के डब्बा। ये पहले की पेन, इंक इंक लगा के जो, ये तो दक्ती जो इंडिया में रहती थी, लेकिन यहाँ ब्लैक है। सैफ्रॉन, ड्रैगन ब्लड, ये क्या है ड्रैगन ब्लड? ये ड्रैगन ब्लड है कुछ, पोटेशियम एलम, फिटकरी है। और ये सिंगालिया कुछ ट्री ट्रैप है और उसके बाद सीना बैरी है और उसके बाद चारकोल है। ये सब चीजों से मिलाकर इंक बनाई जाती थी पहले के टाइम पर। और इसी इंक से लिखा हुआ यहाँ पे एक कागज का पन्ना है और यहाँ पे इंक टूल है। अभी हम दूसरे कमरे में आ गए हैं। यहाँ पर ओमान के महान शख्सियत के बारे में बताया गया है। यूनेस्को ने हिस्टोरिकल इवेंट्स और ग्लोबली इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी की लिस्ट बनाई थी जिसमें 6 ओमानी पर्सनालिटी का भी नाम आता है जिन्होंने नॉलेज और क्रिएटिविटी से रिलेटेड काफी काम किए हैं। इस रूम में उन्हीं 6 शख्सियत के बारे में लिखा गया है और उन्होंने क्या काम किया है, क्या अचीवमेंट की है, वो सारी चीजें उनके बारे में यहाँ लिखा गया है, बताया गया है। इस केजल में इमाम के जो स्टूडेंट थे उनका जो एरिया बनाया गया था, उनका कमरा और लाइब्रेरी वगैरह जहाँ वो पढ़ते थे, लेकिन वो हमने इस वीडियो में नहीं देखा है क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती। ये हम केजल के गार्डन में आ गए हैं। यहाँ पे कोई फंक्शन होने वाला है। मैं इस फोर्ट के अंदर पब्लिक वॉशरूम बनाया गया है जो कि टूरिस्ट के लिए ही बनाया गया है। हम लोग इतना थक गए आके यहाँ पे बैठे हैं, एसी लगी हुई है, मायर भी सूज उतार के एकदम बैठे हैं और ये भी बैठे हैं। देखिए फ्रेंड्स, निजवा में बहुत कुछ है देखने के लिए। यहाँ पे लोकल कल्चर दिखाया गया है, खेती वगैरह कैसे की जाती है वो सब बताया गया है और पहले के टाइम पे लोग कैसे रहते थे उनके बारे में बताया गया है। निजवा के लिए हमें 2 दिन चाहिए पूरा एक्सप्लोर करने के लिए क्योंकि यहाँ पे निजवा विलेज भी है, निजवा गार्डन भी है और निजवा सूक जो कि काफी बड़ी है और अलग अलग सेक्शन में बनाई गई है। और निजवा सूक तो फजर से ही स्टार्ट हो जाती है, फजर की नमाज
नमाज के बाद से ही, और वहाँ पे सब्जियों में और जो जानवर बिकते हैं वो सब में बोली लगती है। उस मार्केट में जो तिजारत होती है ना फजर के बाद वाली, उसे दुनिया भर के लोग आते हैं देखने। जितने भी टूरिस्ट आते हैं ना, वो सुबह फजर के वक्त स्पेशल उठते हैं ये तिजारत देखने के लिए। बहुत ही अमेजिंग होती है, पूरा अरब का फील आता है उसमें। हमने निजवा सूक की जो वीडियो बनाई है वो हम पार्ट टू में लाएंगे, यानी नेक्स्ट व्लॉग में। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी जल्दी से प्रेस कर दें ताकि हमारे न्यू व्लॉग का नोटिफिकेशन आप तक फौरन पहुंच जाए। और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा, और अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक के साथ साथ आप हमें सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं, और आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।